तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास ये प्लांट जो है इसमें कलरफुल है प्लांट, और इसको मैं ग्रेविटेट की थी। हेलो दोस्तों, नीलम वात्सल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ जो पॉट है दोस्तों, ये 16 इंच का पॉट है, और इसमें मैं अपना गुड़हल प्लांट लगाई हूँ। तो इसका पहले ग्रोथ देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग जो हो रहा है उसके बारे में मैं आज कुछ बात करूंगी कि अगर ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है दोस्तों तो गुड़हल प्लांट में कैसे ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग लिया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला बात है कि ज़्यादा धूप, ये तो एवर ग्रीन पौधा है, इसको तो कभी भी खिलते ही रहता है, लेकिन गर्मी जैसे ही ज़्यादा होता है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ठंड के भी मौसम में आप आराम से इससे फूल ले सकते हैं, बहुत बिल्कुल आराम से इसमें फ्लावरिंग भी होगा। अब डिपेंड करता है कि आपका पौधा कैसा है। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आपका पौधा छोटा है बड़ा है, या उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसमें ग्राफ्टेड की थी, और यहाँ मेरा वाइट भी आ गया है, और यहाँ देखिए कि रेड भी खिलने के लिए तैयार है दोस्तों। अब पहले बहुत बार खिल चुका है, मैं वीडियो भी बनाई हूँ। तो दोस्तों अगर ग्राफ्टेड प्लांट है तो इसमें कोई अलग से नहीं कोई इसका प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको सबसे पहला है कि ठंड के दिन में अगर ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो आप इसको गुड़ाई कीजिए, और पानी जब लेयर इसमें सूख जाए पूरी तरह से तभी इसमें आप पानी डालिए। जैसे पूरा लेयर सूख जाए इसको तभी आप इसमें पानी ऐड कीजिए, नहीं ते तो ऐसे ही नमी बनाए हुए रहता है, और एवरग्रीन प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं उतना गुलाब में चाहिए न इसमें चाहिए। तो दोस्तों लेयर सूख जाए तभी पानी ऐड कीजिए, और इसको गुड़ाई करते रहिए। अगर गुड़ाई करिएगा तो इसमें एयर जाएगा, रूट जाएगा, तो नमी भी जो रहेगी उसको सोख लेगा, ज़्यादा पानी भी होगा तो सोख लेगा। और इसको दूसरा बात है कि अगर ज़्यादा इसमें ठंड के मौसम में फ्लावरिंग चाहते हैं दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा आप कुछ खाद ऐड कर दीजिए, तो ये ज़्यादा भारी मात्रा में आपका फूल भी देगा और ग्रोथ भी इसमें बहुत ज़्यादा भागेगी। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मेरा घनत्व इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको बार बार तोड़ते ही रहती हूँ। देखिए ज़्यादा घनत्व रहे तो इसको हटा दिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादा घनत्व रहेगा तो फर्कने नहीं देगा, तो मैं यहाँ से इस तरह से इसको हटा देती हूँ। ज़्यादा ब्रांच भी रहना दिक्कत करता है, उसको भागने की चांस ही नहीं देता है, तो मैं ऐसे हटा देती हूँ। हटाने के बाद क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ से हटाई तो यहाँ इसको फरकने का चांस मिलेगा, तो ये एक और भागेगा, नहीं तो इतने में ये सिकुड़ता ही चला जाता है दोस्तों, सिकुड़ता ही चला जाएगा। इसलिए आप इसको थोड़ा से थोड़ा हटाते ही रहिए, और जैसे ही फरकेगा तो आपका ब्रांच बहुत ज़्यादा भागेगा। अब ब्रांच ज़्यादा आएगा तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, तो कली फूल दोनों ही देगा, तो इसलिए ऐसा करना ज़रूरी होता है दोस्तों। और तीसरा बात क्या है कि मैं फिर इसमें क्या करना है कि अगर आप गुड़ाई करते हैं तो इसमें खाद कौन सी देते हैं। जब मिट्टी ठंडा हो आपको, जैसे ठंड का मौसम हो तो सरसों खली बहुत गर्म रहता है, आप गर्मी में कम यूज कीजिए लेकिन ठंड में उसको यूज किया कीजिए। आप थोड़ा सा सरसों खली लीजिए और इसको पानी में आप डिप करके उसको छोड़ दीजिए। डिप करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि फिर देखते हैं कि आप इसमें 2-3 दिन तक उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका 16 इंच का पॉट है तो 16 इंच का पॉट में आपको क्या करना है कि आप एक टुकड़ा, मतलब थोड़ा सा एक टुकड़ा जो बोलते हैं इतना सा, आप एक टुकड़ा इतना लीजिए और डिप कर दीजिए, और 1 लीटर पानी में डालकर छोड़ दीजिए आप। तो छोड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों कि 2-3 दिन बाद उसमें फिर आप पानी मिलाइए,
और दो चार दाना डीएपी डाल दीजिए और थोड़ा सा पोटाश डाल दीजिए, एक चम्मच पोटाश डाल दीजिए और डीएपी डाल दीजिए, और इसमें फिर गुड़ाई करने के बाद इसमें पानी डालकर वही दोनों पानी पतला बनाकर आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि फूल खिल चुका है तो इसको तोड़ते रहिए तभी ब्रांच भागेगा। तो उसको फिर क्या करना है कि आपको डाल देनी है और डाल दीजिएगा, तो उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों कि 15 दिन में ही आपका कितना ज़्यादा ग्रोथ भागेगा और इतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों भागेगा दोस्तों कि क्या कहनी है। और फिर क्या करनी है इसको कि एक महीना पर फिर दूसरा खाद ऐड करनी है। और जैसे कि जानते हैं कि गुड़हल प्लांट है, जैसे गुलाब हुआ, ये सब एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा खोजता है, मोगरा हुआ, ये सब का ज़्यादा दिक्कत होता है कि एसिडिक आपका सॉइल नहीं रहेगा तो ये आपका नहीं भागेगा। तो आप उसको फिर एक चम्मच विनेगर डाल सकते हैं या सूखी हुई चाय की पत्ती डाल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और आप सबको भी बताती हूँ दोस्तों कि अगर आपका प्लांट इस तरह से है, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसी तरह से किया कीजिए, आपका फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों भागेगा। और ज़्यादा लचोर आपका पौधा हो जाएगा तो उसको प्रूनिंग भी करते रहिए। जैसे यहाँ लंबा हो गया तो यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, कट कर देंगे दोस्तों यहाँ से, तो इसमें ब्रांच भागे तो इसमें घनत्व भागेगा। तो ऐसे ही आप अपना प्लांट में करते रहिए और इसमें फूल प्राप्त करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा घनत्व जितना ही घनत्व रहेगा उतना ही इसमें ब्रांच भागता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग हैं उनको तक पहुंच पाए कि उनका पौधा नहीं फूल दे रहा है, तो अपना फॉलो करके अपना फूल प्राप्त कर सकते हैं।